या बातमीचे प्रायोजक आहे हुमा गिफ्ट्स मल्टी ब्रँड मोबाईल शोरूम। संविधानातील कलम 16-14 अनुसार मिळालेलं पदोत्तरीतील आरक्षण लगोपाठच्या दोन जातीयवादी सरकारांनी हिरावून घेतलंय। आधी फडणवीस सरकारनं आणि आता महाविकास आघाडी सरकारनं, या दोन सरकारांनी सरळ सरळ दलित आदिवासींशी शत्रू सारखा व्यवहार केलाय, तर अत्यंत भेदभावाची वागणूकही दिली आहे। याचाच परिणाम म्हणून गेली तब्बल 4 वर्ष पदोन्नतीतील आरक्षण थांबलं असून, दुसरीकडे खुल्या गटाची पदोन्नती बिनबोभाटपणे आणि 7 मे 2021 शासन निर्णयानुसार 33% मागासवर्गीयांचं पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करून 100% जागांवर खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती सुरू आहे। यातूनच एक गोष्ट अधोरेखित झाली आहे की दुष्ट राज्यकर्ते सत्तेच्या बळावर संविधानिक तरतुदी गुंडळून ठेवत आहेत। भाजप, सेना आणि राष्ट्रवादी या तीनही पक्षांनी पदोन्नतीतील आरक्षणाकडे पूर्णपणे कानाडोळा करायचं ठामपणे ठरवलंय। मराठा आरक्षणासाठी वाटेल ते करण्यास तयार असणारी ही मंडळी पदोन्नतीतील आरक्षणाला ठोस संविधानिक पाठबळ असतानाही दलित आदिवासींची घोर उपेक्षा करीत आहे। आज संपूर्ण मागासवर्गीय समाज उपेक्षित असून 40% वोटिंग पॉवर या समाजाकडे असताना त्यांच्यात एकजूट नसल्याने राज्य सरकार सरळ विरोधी भूमिका घेत आहेत। तसंच या अन्यायाच्या विरोधात आदिवासी दलित समाजाच्या नेत्यांनी बघ्याची भूमिका घेतली आहे। म्हणूनच आम्ही 230 संघटनांना एकत्र करून आरक्षण हक्क कृती समिती स्थापन करून संघर्ष सुरू केलाय। यावेळी एम नागराज प्रकरणात दिलेल्या अटींप्रमाणे पुरेसं प्रतिनिधित्वाचा डाटा आवश्यक असताना सरकारनं मागील 4 वर्षात काहीच केलेलं नाही। मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती 22 मार्च 2021 शासन निर्णयाद्वारे गठीत करण्यात आली होती आणि तिने पुढे काहीच काम केलेले नसल्यानं त्या समितीला 25 जून 2021 शासन निर्णयाद्वारे मुदतवाढ देण्यात आली होती। अशा प्रकारे शासनाकडून वेळ काढूपणा आणि चालढकल सुरू आहे। अशाच प्रकारे आधीच्या फडणवीस सरकारनं देखील चालढकल केली, तर राजकीय इच्छाशक्तींचा अभाव आरक्षणाचे जनक राजश्री शाहू महाराज यांच्या जयंतीच्या दिवशी आरक्षण हक्क कृती समितीनं संपूर्ण राज्यात प्रचंड आक्रोश मोर्चा दिनांक 26 जून 2021 रोजी आयोजित केला होता, तर त्याची साधी दखल ही शासनानं घेतलेली नाहीये। मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची प्रतिमा दलित आदिवासी भटक्या विमुक्तांच्या विरोधात असल्याचं देखील त्यांनी दाखवून दिलं आणि म्हणून सरकारमध्ये राजकीय इच्छाशक्तींचा अभाव आहे। तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्री गटाचे समितीमध्ये निर्णय न घेता हुकुमशाही पद्धतीनं मागासवर्गीयांच्या विरोधात निर्णय घेतलाय। जी आज, हाँ, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के बारे में थी। अपना संविधान रिजर्वेशन एंड प्रमोशन देने की तरतूद है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जानबूझकर पूरे एससी एसटी का भटके विमुक्त का आरक्षण का रोक दिया है। 2017 में जब ये आरक्षण रोक दिया गया था तो भाजपा सरकार ने 33% बैकवर्ड क्लास का जो कोटा है वो बाजू में रख के आरक्षण चालू किया था। इस सरकार ने वो 33% भी छोड़ दिया, 100% अभी ओपन से भरा जा रहा है। ये बड़ा ना इंसाफी है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ मंत्रीगण है उसमें उप मुख्यमंत्री प्रमुख है, लेकिन हमारे 6 मंत्री उसमें मागासवर्गीय के हैं, जो अपने भुजबल साहब है, उसके बाद राहुल साहब है, उसके बाद वडेट्टीवार है, इसके बाद ये धनंजय मुंडे है, वर्षा गायकवाड़ है, ये सारे चुप बैठे हैं, ये कोई बोलता नहीं है। वास्तव में ये पत्रकार परिषद उन्होंने लेना चाहिए, उन्होंने आवाज उठाना चाहिए, इसके लिए वो मंत्रीगण में है, लेकिन वो आवाज नहीं उठा रहे। तो हम मांग करते हैं कि ये बैकवर्ड क्लास के जितने भी मंत्री है उनको कोई अधिकार नहीं इस पद पर रहने का, उन्होंने रिजाइन दे देना चाहिए और मंत्रिमंडल से बाहर हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनको हमारे बैकवर्ड क्लास के घर के सामने आने का अधिकार नहीं, वोट मांगने के अधिकार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई है कि जो पुरोगामी महाराष्ट्र कहा गया जा रहा था वो प्रतिगामी हो गया है आज। और जो सरकार ने हमें आश्वासित किया था कि मागास बैकवर्ड क्लास के पीछे हम
अच्छे वकील देंगे सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, उन्होंने जरूर वकील दिया है, लेकिन हमारे अगेंस्ट में दिया है, वो लड़ाई हमारे अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो सरकार है ये बैकवर्ड क्लास के विरोध में वहाँ लड़ रहे हैं। 27 तारीख को हम यहाँ आज़ाद मैदान में इसके बारे में बड़ा रैली करने जा रहे हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं हमारे, जो चंद्रशेखर आज़ाद आपने सुना होगा, भीम आर्मी के हैं, हमने अभी सब से हमने रिक्वेस्ट की है कि हमारे आठवले जी भी आना चाहिए, हमारे अम्बेडकर जी भी आना चाहिए, डॉक्टर उदित राज भी आएंगे, इसमें हमारे सारे अम्बेडकरिस्ट जितने भी हैं वो सब आएंगे। 27 तारीख को बड़ी रैली हम यहाँ करने जा रहे हैं।